नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 24 अगस्त यानी कल शनिवार को कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। आपको याद होगा कि साल 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिसने देश में सभी को सामाजिक सुरक्षा का एक कवच देने का अब तक का सबसे सफल और बड़ा प्रयास किया था। लेकिन NPS व्यवस्था के तहत पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए सरकारी कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, साथ ही फैमिली पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए और पेंशन की राशि को महंगाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए। 24 मार्च 2023 को लोकसभा में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पेंशन संबंधी सभी मांगों पर विचार करने के लिए वित्त सचिव TV सोमनाथन जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है और समिति ने राज्य सरकारों के साथ, कर्मचारी संगठनों के साथ कई दौर की वार्ताएं की, दुनिया भर में जो पेंशन स्कीम्स हैं उनका अध्ययन किया, रिजर्व बैंक और पेंशन रेगुलेटर PFRDA के साथ मुलाकात की, चर्चा की और अपनी जो रिपोर्ट और सिफारिशें हैं वो सरकार को सौंप दी। केंद्रीय कैबिनेट ने इन सभी सिफारिशों के आधार पर अब UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। क्या है फायदे इस नई स्कीम के, समझने के लिए हमारे साथ आपको बने रहना होगा। अगले आधे घंटे में हम आपको UPS पर सबसे विश्वसनीय जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मैं हूं अजय मिश्र, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान होंगे और खुद सरकार की सबसे विश्वसनीय आवाज, कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करेगा आपको बताएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। अब तक आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी, कल से लेकर के अभी तक बहुत सारे एनालिसिस भी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखे होंगे, बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने लाखों कर्मचारियों को ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इन स्कीम के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल गारंटीड पेंशन मिलेगी। केंद्र के इस अहम फैसले पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर लिया है। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन राशि अंतिम वेतन की लगभग 50% होगी और 10 साल की सेवा देने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन जरूर मिलेगी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशन हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमिटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन के साथ ही कई लाभ मिलेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम को राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो UPS के लाभार्थियों की संख्या 23 लाख से बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर NPS में रहना चाहे तो NPS में रह सकता है, UPS में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS से कैसे बेहतर है, इसे तुलनात्मक रूप से देखें तो UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के अंतिम वर्ष के 12 माह के मूल वेतन के औसत का 50% रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा, जबकि NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। UPS में केंद्र सरकार का अंशदान 18.5% होगा, जबकि NPS में केंद्र की भागीदारी महज 14% ही है। UPS के तहत कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन का फायदा मिलेगा, जबकि NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। UPS के तहत 10 साल की नौकरी पर कम से कम 10,000 की मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि NPS में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। UPS और NPS दोनों में ही कर्मचारियों का अंशदान 10% रहेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का हर ओर स्वागत किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा।
मुझे लगता है कि भारत सरकार ने ऐसा कर दिखाया है कि कैसे जो है कि जो दो तरह की पेंशन चल रही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस, इसमें जो है जो एनपीएस के जो कुछ एम्प्लाइज थे जिनको ये लगता था कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जो है उनसे ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आज यूपीएस में जो उनको ऑप्शन मिलेगा कि कैसे वो एक यूपीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं या एनपीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यूपीएस जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी एम्प्लाइज के लिए जो लंबी मैं समझता हूँ अपनी सर्विस जो है भारत सरकार को देते हैं। इस योजना में वो सब कुछ है जिसको लेकर के एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य की आशंकाएं थी, और इसकी विशेषता है कर्मचारियों को आश्वस्त करता है बाद के उन दिनों की, जैसे कि सेवा काल में मृत्यु, 60% तक पारिवारिक पेंशन की सुरक्षा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन लागू किए जाने का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के हित में सराहनीय कदम है। इस हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री सहित पूरे भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 2004 के बाद स्पेकुलेशन या मार्केट के ऊपर छोड़ दिए गए थे, उनके लिए उन्होंने जो है वो एक एश्योर्ड पेंशन सिस्टम की बात की है, और आने वाले समय में जो भी रिटायर होगा या जो रिटायर हो चुके भी हैं उनको अपने वेतन जो मिल रहा होगा उसका 50% जो है वो तनख्वाह का मिलेगा, और उसके ऊपर भी डीएनएस राहत मिलने का काम होगा। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। इस कार्यक्रम में मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी जो कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इस वक्त एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी वक्त निकालने के लिए, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आपकी फ्लाइट है हमें पता है। और पंकज शर्मा जी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं DFS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और BC शर्मा जो कि लीडर ऑफ स्टाफ साइट्स ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो सरकार ने बनाई थी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो भी हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी बहुत धन्यवाद, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आपको पहले हमें निवृत्त करना है इस प्रोग्राम से। जो आप लोगों की मांगे थी लगातार आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ सरकार के साथ बात की, अब क्या आप लोग प्रोविजंस को लेकर के खुश हैं UPS? देखिए ऐसा है कि ये सर नई पेंशन योजना के खिलाफ हम लोग पिछले 20 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, और हमें यह खुशी है कि इसका इस सरकार ने संज्ञान लिया और सोमनाथन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिससे हमारी नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड का, जिसका कि मैं सेक्रेटरी हूँ, बराबर जो है वो इंटरेक्शन हुआ, और जो भी हम लोगों ने मांगे उनके सामने रखे उनको उन्होंने जो है मानने का काम किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और कल हम लोगों के साथ मीटिंग किया, और जो हमारी मूल मांग थी कि सैलरी का 50% जो है वो हमें पेंशन के रूप में दिया जाए और इसके अलावा हमें DNS रिलीफ दिया जाए, वो उसने हमको मिलने का काम हुआ है जी, जो कि OPS में भी मिलता था। हमें फैमिली पेंशन देने का काम हुआ है, हम लोगों को मिनिमम पेंशन मिलने का काम हुआ है, जो हमारे कार्पस का पैसा है उसमें से हमको लमसम देने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो योजना है वो बहुत अच्छी योजना है, और इससे 23 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई है। तो हम लोग इसका बहुत स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। शुक्रपाल जी, एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि इस नई यूनिफाइड स्कीम में NPS के भी फायदे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम के भी फायदे हैं, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को दोनों तरफ से फ़ायदा मिला है, जो आप चाहते थे वो भी मिला, लेकिन जो बाज़ार से जुड़ी हुई
सकारात्मक बातें हैं एनपीएस के जरिए, उसका भी फायदा आप लोगों को मिल सकेगा। देखिए बात सही है, हम लोग कर्मचारी हैं और कर्मचारी बहुत लालची नहीं होता है, वो चाहता है कि जब वो रिटायर हो तो वो आराम के जिंदगी, किसी के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े, वो किसी के ऊपर आश्रित ना हो, तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि हमको गारंटीड पेंशन मिले जो कि एनपीएस में नहीं थी। एनपीएस में लोगों को 2,000 रुपये 3,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, अगर बाजार भाव के ऊपर हमको छोड़ दिया जाएगा तो ये उचित नहीं था। तो ये सरकार ने अच्छा काम किया है कि एक गारंटी देने का काम किया है कि इतना 50% पेंशन आपको जरूर मिलेगी। बाकी रह गया सवाल, अगर मान लो कहीं मार्केट बढ़ता है और पैसे बढ़ते हैं तो उसका लाभ भी जो है वो लोगों को मिलेगा इस यूपीएस के अंतर्गत, तो इसलिए ये एक विन विन सिचुएशन है, सरकार का भी फायदा है और हमारे जो पेंशनर हैं उनका बहुत बड़ा फायदा है। मिश्रा जी, आपसे अंतिम सवाल ये कि अब क्या आप लोगों की कमोबेश सारी मांगें मान ली गई हैं, सिफारिशें जो आपने की थी उस पर सहमति बन गई है, या फिर कुछ और भी बातें हैं जिन पर अभी शायद आप लोग कोशिश करेंगे बातचीत करने की? नहीं, हमारी जो मांगे हम लोगों ने रखी थी सरकार के सामने वो उन्होंने सब मान ली हैं, अब सिर्फ बचा है नियमों का बनाना, तो वो नियम बनेंगे जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, जैसे हम स्टाफ साइड के साथ उन नियमों के बनते समय भी बातचीत होगी जी, जी। तो उन नियमों में जो चीज़ें होंगी वो हम लोग देखेंगे, बाकी जहाँ तक जो सवाल थे वो सारे के सारे हल हो गए हैं, उसमें अब कुछ भी बाकी नहीं है। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पंकज सर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये पूरी जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे होगी और यूनिफाइड इसे आप लोग क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे का पूरा उसकी आत्मया प्रिंसिपल क्या है? अजय जी, तो इसमें अगर हम जब ये 2023 में कमेटी बनाई गई थी तो उसमें दो बातें इसमें हमको एड्रेस करनी थी, एक तो एनपीएस में सुधार और जो भी एम्प्लॉयज़ के कंसर्न थे उनको एड्रेस करना था, और उसी के साथ हमको जो फिस्कल प्रूडेंस था उसका पूरा पालन करना था कि राजकोषीय घाटे पर बहुत इसका असर ना पड़े इस चीज़ का। तो पूरे एक साल हम लोगों ने एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने लगातार एम्प्लॉयज़ के साथ, जो स्टाफ साइड ऑफ JCM होती है उनके साथ, RBI के साथ लगातार इस विषय में चर्चा करी, लोगों के हम लोगों ने सुझाव इस विषय में स्वीकार किए हम लोगों ने, और उनकी एनालिसिस करी, उनकी हम लोगों ने विवेचना करी। और अगर आप देखें तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसका एक फीचर था डिफाइंड बेनिफिट, जब आप रिटायर करेंगे तो आपको 50% आपकी जो आय है उसका आपको वो आपकी पेंशन बनती थी, और जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसमें आपकी जो एक फीचर था वो था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसके साथ साथ आपका बेनिफिट डिफाइंड नहीं था कि कितनी आपकी पेंशन बनेगी। इसको हम लोग एकीकृत या यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इट इज़ फुल्ली फंडेड डिफाइंड बेनिफिट, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, मतलब कि ये स्कीम पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूटरी भी है जो कि एक NPS का फीचर था, और इसमें बेनिफिट भी डिफाइंड है जो कि एक OPS का फीचर था। तो इसका जो एक बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हम लोग अपफ्रंट बजट के अंदर पूरा प्रोविज़न कर पाएंगे कि कितना कितना जो है इसमें हमको इसमें प्रोविज़न करना है, अपफ्रंट प्रोविज़न करेंगे इसके अंदर, और उसी के साथ हम लोग जो है जो कर्मचारी हैं उनको हम लोग एक पेंशन 50% एश्योर कर पाएंगे इसके अंदर। ठीक है, बीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, जो लीडर ऑफ स्टाफ साइट्स जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई गई थी। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है, क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारें भी इसको मानेंगी और सभी के सभी जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि 90 लाख लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, वैकल्पिक रखा गया है, विकल्प है NPS और UPS दोनों में, तो आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग UPS की तरफ ही जाएंगे? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का और सोमनाथन जी का जी धन्यवाद करता हूं कि 15 जुलाई को डिटेल डिस्कशन हुई थी सोमनाथन जी की चेयरमैनशिप में, जिसमें ये सारी बातें डिस्कस हुई थी और ये सारी बातों को उन्होंने जो कमी थी उसको भी पूरा करने का काम किया,
ये उनकी बहुत अच्छी सोच थी। जो आपने सवाल किया है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी और सेंटर के कर्मचारी ये सबको बेनिफिट होगा, एनपीएस को हम लोग नो पेंशन स्कीम कहते थे, इन्होंने उसको जो यूपीएस का नाम दिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, बहुत अच्छा नॉमिक्लेचर दिया है, जो कई सालों से ये हमारी युवा कर्मचारियों की जो जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनकी एक डिमांड थी। उनका लास्ट लाइफ ओल्ड लाइफ में उनको अच्छी तरह सम्मानजनक जीने का साधन जो है ये गवर्नमेंट ने दिया है और इसके अंदर मैक्सिमम डिमांड हमारी पूरी की है। लेकिन थोड़ा सा जो हमने ये 15 जुलाई को जो मिनट्स आए थे उस मिनट्स के अंदर नेशनल काउंसिल के स्टाफ साइड के लीडर श्री एम रघवैया जी ने कुछ बातें जोड़ी थी जिसमें ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर प्रावधान है कि 80 साल की एज पे होने पे 5% बढ़ेगी, 85 पे बढ़ेगी, 90 पे बढ़ेगी, वो प्रोविजन के लिए हमने रिक्वेस्ट की हुई है। और दूसरा ये स्कीम अच्छी है लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम में एक था कि एवरेज पेंशन या लास्ट पे ड्रान का 50% जो लाभदायक हो कर्मचारी को वो दिया जाए, अगर ये उसमें कर देंगे तो और भी इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो पहले एनपीएस में प्रावधान नहीं थे और ओपीएस में थे उसको यूपीएस में प्रावधान दे के भारत सरकार ने और गवर्नमेंट ने खास सोमनाथन जी ने जो रोल अदा किया है जी। बहुत अच्छा रोल अदा किया है। युवा अवस्था में युवा नौजवानों के अंदर बहुत अच्छी लहर गई है और उनको सेटिस्फेक्शन हुई है कि जो हमारी लड़ाई थी उसमें सफलता मिली है। जो नियम बनेंगे उसके अंदर कोई काम कमी होगी जी। उस नियमों में आगे फर्दर उसके अंदर संघर्ष करेंगे। धन्यवाद शर्मा जी, अब बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा लगातार जारी है। ये पूरा का पूरा जो गारंटी दी गई है सरकार की तरफ से, वो सरकार की तरफ से कैसे उसे फुलफिल किया जाएगा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम चर्चा में। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपीएस, जो कि आर्थिक सुरक्षा के गारंटी के तौर पर कल कैबिनेट ने इसे स्वीकार किया। और हमारे साथ तीन खास मेहमान बने हुए हैं, श्री गोपाल मिश्रा जी जो कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और पंकज शर्मा जी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डीएफएस फाइनेंस में, और बीसी शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं जो कि इस पूरी बातचीत का हिस्सा थे। पंकज सर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो कैसे काम करेगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें दो अलग अलग तरह के फंड बनाए जाएंगे जो कि इस पूरी व्यवस्था को संचालित करेंगे, वो थोड़ा सा विस्तार में समझाइए प्लीज जी। इसमें सरकार ने अपनी जो अंश होता है उसको 14% से बढ़ा के 18.5% किया है। तो जो रिवाइज्ड यूपीएस की व्यवस्था होगी उसमें जो एम्प्लॉयज़ का 10% जो अंश होगा वो एम्प्लॉयज़ के पास रहेगा, उसके अलावा सरकार का जो 10% का एक अंश होता है वो भी एम्प्लॉयज़ के पास रहेगा। 8.5% का जो एक अंश होता है वो सरकार एक खाते में मेंटेन करेगी, और उस खाते का उद्देश्य होगा कि बाजार के उतार चढ़ाव से सरकारी एम्प्लॉई की 50% पेंशन को अश्योर करने के उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो 20% राशि होगी यानी कि 10% राशि एम्प्लॉई की और 10% राशि सरकार की, उसमें इन्वेस्टमेंट का पैटर्न एम्प्लॉई खुद डिसाइड करेगा उसके अंदर। अच्छा, और अगर मान लीजिए कि उसमें जो भी उसके एनुटी के रेट्स होते हैं अगर उसमें कुछ कमी होती है 50% पेंशन से तो वो सरकार उसको भरपाई करेगी।
और अगर कुछ अपसाइड होता है, अगर मान लीजिए कि उसकी जो रिटर्न होती है वो 50% से ऊपर आती है, तो वो पेंशन एम्प्लॉय को पूरी की पूरी मिलेगी उस केस में। तो अपसाइड पूरा एम्प्लॉय का है। अगर किसी कारण से मान लीजिए कि बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से 50% से कम पेंशन आती है उसकी, तो उसकी भरपाई सरकार जो है वो पूरी तरह से करेगी, और उसके लिए वो जो 8.5% की जो धनराशि होती है उसका इस्तेमाल करा जाएगा उसके लिए। और जो फैमिली पेंशन है पंकज सर, क्या उसका भी प्रोविज़न उस एन्युटी वाले फंड से किया जाएगा जिसको आप इंडिविजुअल फंड बोल रहे हैं, या फिर जो ये 8.5% वाला सरकारी कॉर्पस है उसके ज़रिए किया जाएगा? जो फैमिली पेंशन आपकी होगी, ये आपकी जो एन्युटी परचेज करी जाएगी ये उसका फीचर होगा। अच्छा। और अपफ्रंट जो फैमिली पेंशन भी उसके अंदर ही एन्युटी के अंदर उसका भी कॉर्पस प्रोवाइड फॉर किया जाएगा उसके अंदर। तो ये आपका जो 8.5% का जो आपकी धनराशि होगी आपकी, उसका उद्देश्य ये इंश्योर करने में कि एम्प्लॉय को 50% धनराशि मिले और उसकी मृत्यु के बाद 60% की राशि से फैमिली पेंशन मिले, उसको इंश्योर करने में किया जाएगा उसका। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एनपीएस का क्या होगा, क्या एनपीएस को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा? ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि मिथ जो होते हैं ना, जब कोई नई योजना आती है तो तुरंत फौरी तौर पर जो रिएक्शन आता है उसमें कह रहे हैं कि साहब अब तो एनपीएस बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप जैसा बता रहे हैं एक एक्सटेंशन टाइप का लग रहा है ये एनपीएस का। तो कल भी इनफैक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इस बात को बताया गया था कि अगर कोई कर्मचारी चाहता है एनपीएस में कंटिन्यू करना तो वह एनपीएस में कंटिन्यू कर सकता है। ड्यू कोर्स में सरकार एम्प्लॉयज़ से ऑप्शन मांगेगी कि वो एनपीएस में जाना चाहते हैं, यूपीएस में जाना चाहते हैं। सरकार का ये विचार। सर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री इस वक्त भाजपा मुख्यालय पहुँचे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुँचे हैं। राजेश राज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। राजेश, क्या मकसद है आज के इस बैठक का और किन बड़े मुद्दों पर निगाहें रहेंगी सभी की? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां पर पहुंच चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो आयोजित की गई है, और इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राम माधव, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं। ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों का जो अंतिम स्वरूप है उस पर मुहर लगने वाली है, और इसके लिए जो दो दिनों से एक्सरसाइज चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह लगातार जम्मू कश्मीर के टिकटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे थे। ये माना जा रहा है कि सब कुछ फुल प्रूफ है, बस इस बैठक में उस पर अंतिम मुहर लगनी है, क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए जो नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख है वो 27 तारीख है, स्क्रूटनी का काम होना है, और कहीं ना कहीं पहले चरण के लिए जो नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि आज ही इस पर अंतिम मुहर लगाकर और सूची को, पहली सूची को प्रकाशित कर दिया जाए, ताकि जो नामांकन करने वाले लोग हैं वो 26 और 27 तारीख को, दो दिन जो बचे हुए हैं उसमें प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर नामांकन कर सके। राजेश, बहुत धन्यवाद, आप इस पर निगाह बनाए रखिए, हम लगातार आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपको फिलहाल इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और शिवगोपाल मिश्रा जी, क्या हमारे साथ? अगर चलिए पंकज जी, अब चलते चलते ये आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, एक सवाल ये भी है कि इसको क्यों आपने 2025 अप्रैल से लागू किया? इसको आप तत्काल प्रभाव से भी लागू कर सकते थे, क्या इसमें अभी कुछ कानूनी काम बाकी? इस पूरे प्रक्रिया को लागू करने के लिए, इस पूरी योजना को लागू करने के लिए बहुत सारे प्रशासनिक और रेगुलेशंस के क्षेत्र में काम करने पड़ेंगे। उसके लिए कुछ समय चाहिए होगा, तो इन द मीन टाइम सरकार रूल्स, रेगुलेशंस, जो आईटी सिस्टम्स वगैरह होते हैं उसकी तैयारी करेगी इस केस में। और एक अप्रैल 2025 को सरकार पूरी तरह से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में होगी। क्या इसके लिए संसद में कुछ विधेयक लाने की ज़रूरत होगी, या फिर केवल एडमिनिस्ट्रेटिव उससे काम हो जाएगा? अभी ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कि हम लोग और विस्तार से विचार करेंगे इसके अंदर। अगर कहीं पर कुछ लॉ में कहीं भी संशोधन करना होगा तो उसके लिए
उचित अमेंडमेंट बिल्स वगैरह लाए जाएंगे उसके लिए। एक चीज़ और भी कही जा रही, चलते चलते सिर्फ मेरे पास एक ही मिनट है, कि इस पर कोई फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ेगा जो आप कह रहे हैं, फ्यूचर की जनरेशन उस पर फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ेगा, तो क्या हर साल बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा, ये सरकार तय कर चुकी है? तो जैसे कि अभी जो हमारा जो इंक्रीमेंटल या जो अतिरिक्त जो राशि जाएगी 14 से 18.5%, उसके लिए ऑलरेडी पहले साल में करीब 6,250 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होगी। उसके अलावा एरियर्स जो पे करने होंगे उसके लिए करीब 800 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। तो हर साल ये अमाउंट थोड़ा बहुत वेरी करेगा इसके अंदर, डिपेंडिंग ऑन द एक्चुरियल कैलकुलेशन। हर साल सरकार बजट में इस धनराशि का प्रावधान करेगी, जिससे कि कभी भी आने वाले समय में जो फ्यूचर टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं उस पर इसका बोझ ना पड़े और हम लोग इंटरजनरेशनल इक्विटी को कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर इन तमाम पक्षों पर बात करने के लिए और बहुत सारे जो मिथ है उसको दूर करने के लिए। फिलहाल तो ये तो तय है कि एनपीएस लगातार जारी रहेगा, जो लोग ऑप्शन लेंगे यूपीएस का उनको भी एनपीएस का फ़ायदा मिलेगा, जो बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन पेंशन अब एश्योर्ड हो गई है, फैमिली पेंशन एश्योर्ड हो गई है, उसके साथ डीए का जो प्रोविज़न है वो भी एश्योर्ड हो गया है। तो एक तरह से कहें कि बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड ये देने की कोशिश की गई यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में। उम्मीद है कि अब शायद इस पर राजनीति नहीं होगी, लेकिन फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। We'll be right back.